पाँच महीने से। कितने दिन का बच्चा आपका ये? 5 महीने का हो जाएगा 2 तारीख को। तो क्या परेशानी आ रही है? हम इसका इलाज करवाने के लिए ना मदद मांग रहे हैं। इलाज आपका हो नहीं पा रहा? नहीं हो पा रहा, डेट पे डेट दिए जा रहे डॉक्टर। कौन से हॉस्पिटल में चल रहा है? राम मनोहर। मतलब क्या क्या बताया बच्चे को? बच्चे को ऑपरेशन बता रहे हैं और MRI की डेट में बार बार डेट दे देते, फिर लंबा बढ़ा देते हैं। आप कहाँ के रहने वाली हो? बिहार के। यहाँ कब से रह रहे? यहाँ पे हो गए 1.5 साल हो गया रहते हुए। नहीं, आप लॉकडाउन की वजह से ये नहीं करा पा रहे हो या कैसे? लॉकडाउन से पहले से ही इलाज इसका चल रहा है, अब तो लॉकडाउन लग गया। पहले भी तो डॉक्टर कर सकते थे इस काम को, लेकिन डॉक्टर कुछ सुनवाई नहीं कर रहे बिल्कुल भी। अभी हम गाज़ियाबाद इलाके के लोनी क्षेत्र में है और लोनी क्षेत्र की ये इंदिरापुरी कॉलोनी है। यहाँ पर एक परिवार है, इस परिवार में इनका 5 महीने का एक बच्चा, मासूम बच्चा है और उसके एक पीठ में फोड़ा है। फोड़े की जांच भी हो रही है RML हॉस्पिटल में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिल्ली में, लेकिन 5 महीने से इस बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा है, डेट पर डेट दिए जा रहे हैं। आखिरकार इन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की, लोगों से मदद की अपील की। हम यहाँ पहुँचे हैं, पुलिस टीम यहाँ पहुँची है, कोशिश कर रहे हैं कि इनको अस्पताल पहुंचाया जाए। अस्पताल क्योंकि जो जिस अस्पताल में इनके बच्चे का इलाज चल रहा है वो अस्पताल वहाँ पर कोरोना का सेंटर है और वहाँ पर कोरोना के मरीज़ है, तो इसलिए इनको दिक्कत आ रही है। और इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट ये अपना इलाज करा सके, लगभग 2 लाख रुपये का इनका खर्चा है। आपके आपके शोहर क्या करते हैं? आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कितने पैसे कमाते हैं? 400 रुपये डेली काम करते हैं। और कितने दिन से, अभी कितने दिन से मजदूरी नहीं लगी? अभी तो फिलहाल जब से लॉकडाउन लगा जब से ही काम बंद है उनका। उससे पहले से भी जब से हमारा लड़का हुआ तो काम वाम नहीं करते थे वो, इसके वजह से परेशान रहते थे। क्या नाम है बच्चे का? अयान। अभी कितना पैसा वगैरह आपके पास खर्चा है, राशन वगैरह है? राशन तो है लेकिन पैसे नहीं है खर्चे के लिए। पैसा नहीं है? बच्चा दूध वूध मांगता है तो कैसे करते? तो दूध मैं तो अपना पिलाती हूँ उसे। दवाई वगैरह चल रही है? नहीं, दवाई तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं आज तक। घर में और कुछ पैसा है जिससे आप कुछ इलाज कुछ भी करा सकें बच्चे का, या कुछ कुछ खरीद सकें? मेरे पास कुछ भी नहीं है, चाहे तो घर हमारे चेक कर सकते हो। ये बेहद ही गरीब परिवार है, रख लो, आप भाई समझ के दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये आप राशन वगैरह कुछ सामान खरीद लेना और उसके बाद में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बच्चे को अस्पताल पहुँचाया जाए, इसको इलाज मिले, ठीक है ना? ये बस थोड़ी सी अभी हमने हेल्प किया, ठीक है सर जी। परेशानी ये है कि इसका इलाज हो जाए बस, और कुछ नहीं परेशानी यही है। तो इलाज वगैरह चल रहा है कहीं से? राम मनोहर लोहिया से चल रहा है इसका इलाज, लेकिन अभी फिलहाल कोरोना के मरीज की वजह से नहीं हो पा रहा इलाज इसकी। क्या कमाई क्या करते हो आप? क्या कमाई क्या करते? बेलदारी करते हैं सर। कितनी परेशानी भाई आ रही है आपकी? परेशानी तो सर बहुत है, लेकिन क्या करें, ये बच्चे की वजह से, बच्चे को देख रहे हैं बस। अभी हमने कुछ पैसा दिया है आपको, है ना? अपने बच्चे का जो भी थोड़ा बहुत इलाज करा सकते हो, दूध वगैरह दे सकते हो, दीजिएगा भाई। जी जी, कोशिश करेंगे कि इस बच्चे का इलाज जल्द से जल्द। चलो, आप लोगों की दुआ से अगर ठीक हो जाए तो बस आप यही चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। पूरी कोशिश करेंगे और पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बच्चे को अस्पताल तक पहुंचाया जाए, कम से कम इसकी जांच हो, जांच के बाद में पता चले। और क्योंकि दिक्कत यहां पे आ रही है, क्योंकि जिस अस्पताल में इन लोगों का इलाज चल रहा है, इस बच्चे का इलाज चल रहा है, वो कोरोना सेंटर है, वहां पे कोरोना के मरीज भर्ती हैं और पूरे विश्व में ये महामारी चल रही है, इसलिए इस बच्चे को दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बच्चे का पूरा इलाज हो सके।